बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करो, मिल जाए नदियाँ तो समंदर खोजने का प्रयास करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा बनने का प्रयास करो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वाल वंशी जीएस सेंटर में। सौंसर क्षेत्र के विद्यार्थियों को जो अभी हाल ही में 12th पास हुए हैं, उन विद्यार्थियों को मेरा एक संदेश है कि 12th जब विद्यार्थी पास हो जाता है तो विद्यार्थी में बहुत ज़्यादा भटकाव रहता है कि बच्चा करे तो क्या करे, 12th के बाद में बीए करे, बीएससी करे, बीकॉम करे, कि फिर बीबीए करे, कि फिर नीट की ओर जाए, कि फिर जो है आईआईटी की ओर जाए, कि जेई की ओर जाए, कि एडवांस की ओर जाए, क्या करे कुछ पता नहीं चलता है। बहुत ज़्यादा उनका दिमाग ख़राब रहता है कि करे तो क्या करे, क्योंकि 12th पास तो हो गए हैं, एक रास्ता था 12th तक आने वाला, 12th के बाद में आप भटक गए हैं, गाइडेंस नहीं है। लेकिन चिंता मत करिए, ग्वालवंशी सर आपके साथ है और आपको भटकने बिल्कुल नहीं देंगे। आपकी सरकारी नौकरी प्राप्त करवाते तक, सरकारी नौकरी जो है आपको लगते तक मैं आपके साथ हूँ। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, 12th के बाद में कई लोग आपको भटकाते हैं, जिनको गाइडेंस नहीं है, जिनको खुद को ही पता नहीं है, वो लोग भी आपको आके और जानकार देते हैं कि आप ये कर लो, इनमें इसमें स्कोप है, इसमें स्कोप है, बल्कि उसको कुछ नहीं पता, लेकिन वो आके ज्ञान दे देता है और कुछ भी विद्यार्थी के मन में डाल देता है। तो मैं आपको ये क्लियर करवा दूँ कि सबसे पहली बात तो कि आप 12th पास हो गए हैं तो आपके लिए सरकारी नौकरी कौन सी है, यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखिए, RTO 12th पास होने के बाद आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, 12th के बाद यदि आपने कॉम्पिटिशन की क्लासेज ज्वाइन कर लिया है तो आप RTO का एग्ज़ाम दे सकते हैं, पुलिस के एग्ज़ाम दे सकते हैं, SSC GD का है, SSC CHSL का है ना, उसके अलावा आबकारी पुलिस का है, आर्मी का है, एयरफोर्स का है, NDA का है, RPF है, ठीक है ना, ये है जेल प्रहरी है या फॉरेस्ट है, इतने सारे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। यदि आपकी उम्र 18 साल की हो गई है तो 18 साल होते ही आप फॉर्म भर सकते हैं, उससे पहले पहले तैयारी करना होता है। तो 12th पास होते ही आपके पास में इतने सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं कि आप फॉर्म भर के और एग्ज़ाम दे सकते हैं। इनका पर्टिकुलर एग्ज़ाम होता है, इनका एग्ज़ाम आप देंगे तो जो पेपर होगा आपका, अच्छा एक और बात, 12th में कितना परसेंट बनाया है डजेंट मैटर, आप चिंता नहीं करना कि 12th में आपने 90 बनाए हैं कि 33 बनाए हैं, कहीं मायने नहीं रखता है। इतने सारे एग्जाम मैंने निकाला, मेरा आज तक किसी ने नहीं पूछा कि 90 बनाया है कि 33 बनाए, कोई मायने नहीं रखता है। तो परसेंट के पीछे मत भागना, अब आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इतने सारे एग्जाम हैं जिसमें परसेंट बिल्कुल नहीं मांगने वाला है, आपने 12th पास किया है ये मांगेगा सिर्फ एक बात। अब एक बात तो क्लियर हो गई, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ग्वालवंशी जीएस सेंटर में अभी नए बैचेस की शुरुआत हुई है, तो आप सभी लोग जो बच्चे 12th पास हुआ है वो सारे सारे विद्यार्थी क्लास आ जाइए। गर्ल्स कॉलेज के ऊपर हमारी क्लासेस लगती है और पूरे के पूरे टीचर सेलेक्टेड है जो कि आपको गाइडेंस करेंगे और एक अच्छी संस्थान के साथ आप जुड़ने वाले हैं, आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और बैचेस का समय है सुबह 7:30 से 11:30 पहला बैच है, सेकंड बैच 11:30 से 3 बजे के बीच में है। जिस भी बैच में आपको आना है आकर के क्लास ज्वाइन करिए और एक अच्छे संस्थान के साथ में आप जुड़ जाइए। अब बात आई है, एक तो आप ये तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं क्या करना ही है, क्योंकि 3 साल 4 साल जो भटकाव आप में होने वाला है, आप एक एक सवाल का जवाब दीजिए। एक बच्चा वो जो BSc कर रहा है 3 साल 4 साल वो बर्बाद कर रहा है और फिर कोचिंग ज्वाइन करेगा 4 साल बाद, और एक बच्चा वो जो 12th पास करके क्लास ज्वाइन कर लिया है, तो जो बच्चे ने 12th पास करके क्लास ज्वाइन किया है उसके पास 4 साल का नॉलेज रहेगा, और जैसे ही वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा वो PSC और UPSC और जो एग्ज़ाम होते हैं ग्रेजुएशन लेवल के वो दे सकता है। छोटे एग्ज़ाम तो निकाल ही लेगा वो, लेकिन बड़े एग्ज़ाम भी देगा। और जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन करने के बाद, जैसे BSc उसने किया या BA किया, फिर MA किया, MA करने के बाद वो कॉम्पिटिशन ज्वाइन कर रहा है, तो जो 12th पास किया बच्चा है वो कितना आगे है, क्योंकि वो 5 साल आगे है उससे जो कॉलेज करने के बाद कॉम्पिटिशन में उतरने वाला है। तो गलती मत करना, आप एक छोटी सी डिग्री के लिए जो है कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, कोई भी डिग्री छोटी सी के लिए, कौन सा चाहे वो BA कर लो, आप BA कर लेंगे सबसे अच्छा कोर्स होता है और वही का वही आपको कंपटीशन में आ जाता है। मैं एक संदेश दूंगा आपको, BA कर लीजिए और कंपटीशन क्लास ज्वाइन कर लीजिए, बहुत मजे में रहोगे। ग्वालवंश सर की बात याद रखना, ये बात आपको टच करना चाहिए कि यदि आपने BA करने के साथ साथ कॉम्पिटिशन ज्वाइन कर लिया है तो आपको दुनिया कोई ताकत नहीं है जो सलेक्शन से रोक दें। लेकिन आप तो है भटकने वाले कि आपने BA कर लिया, फिर MA कर लिया,
ट्वेल्थ में तो एज होगी 17-18 साल, उसके बाद में बीए एमए करते तक आपकी 25 साल की एज होगी, 23-24-25 साल की एज होगी। अब जब शादी की उम्र हो रही है उस समय क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो कहाँ से तुम्हारा सलेक्शन हो जाएगा? भैया ट्वेल्थ पास हुआ है, आपकी पढ़ाई का जरिया बहुत बढ़िया था, रूटिंग बनी हुई थी, रास्ता आपका क्लियर था, जहाँ से पहली क्लास से पेन रखा हुआ था ट्वेल्थ तक आपने पेन उठने नहीं दिया है, लेकिन अब आपका पेन उठने वाला है क्योंकि कॉलेज में कभी डेली क्लासेस लगती नहीं है, उतना ध्यान से कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, कॉलेज कंटिन्यू जाता नहीं है। तो इससे बढ़िया है कि आप कॉलेज के लिए डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए और कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन करिए। आप जल्दी से जो है क्लासेस आ जाइए, बैचेस बना हुआ है और इतनी सबकी तैयारी कर लीजिए। टारगेट रहेगा आपका, मैं भटका रहा हूँ आपको, टारगेट रहेगा आपका पीएससी का, एमपीपीएससी और यूपीएससी का। यदि इसकी तैयारी आपने की है ये सारे एग्जाम आप निकाल सकते हैं क्योंकि लगभग सेम सिलेबस रहता है। आपको मैथ भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको जीएस पढ़ना है, आपको जीके पढ़ना है, आपको जीए पढ़ना है, आपको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, इतने ही सब कुछ रहते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके, इंग्लिश, हिंदी, पर्यावरण, साइंस, यही के ही आपको पढ़ना पड़ता है सारे एग्जाम में, चाहे वो आरटीओ हो, पुलिस हो, एसएससी है, आबकारी है, पुलिस, जो एग्जाम देंगे, जो भी एग्जाम के नाम लेंगे, वो सारे के सारे एग्जाम में आपसे इन्हीं में से पूछेगा। बस पैटर्न चेंज होता है क्वेश्चन का। यूपीएससी और पीएससी थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछेगा, है तो जीएस का ही, और छोटे एग्जाम में थोड़ा कम क्वेश्चन पूछेगा। तो हमारा जो लेवल है संस्थान का, जो हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनसे मिलिए, आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी। ग्वालवंशी जीएस सेंटर का हर विद्यार्थी एक टीचर है, हर विद्यार्थी में क्वालिटी झलकती है। जो विद्यार्थी 4 से 5 महीना क्लास आ चुका है उससे मिलिए आप, आपको दिखेगा हाँ यार क्या तेज तरार विद्यार्थी बन रहा है हमारा, कितना लेवल उसको दिख रहा है, उसमें कितना नॉलेज आ चुका है, पढ़ते 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 उसने इतना सारा नॉलेज गेन कर लिया है कि सामने वाले को झलकता है, उसके हर बॉडी के पार्ट से जीएस का टुकड़ा झलकता है। आपको बता दूं मैं, ऐसे विद्यार्थी हमारे बने हुए और अभी तक 290 से ज़्यादा विद्यार्थियों का सलेक्शन इस संस्थान से हो चुका है। इसलिए आप लोग आइए और सेलेक्टेड टीचरों से यहाँ पर पढ़िए और अच्छा संस्थान से जुड़िए। मैं इसलिए कहता हूँ बार बार कि चलते रहूँगा, राह पर चलने में माहिर हो जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो आइए आप लोग, मेरा नंबर है 9407381643, मैं यहाँ लेता हूँ 81643। अभी बैचेस बने हुए हैं नए नए, तो आप लोग जल्दी से आ जाइए, क्लास ज्वाइन करिए। क्लास का पता है गर्ल्स कॉलेज के ऊपर, मोहगांव रोड, 67। धन्यवाद आप सभी का।